वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और आज है हमारा ऐतिहासिक डे 4 फॉर सीए फाइनल ऑडिटिंग मैराथन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे हमारे बैलेंस स्टैंडर्ड, मतलब अब हम आ गए हैं एक अंतिम दौर में। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो अपने अंतिम सांसें ले रहे हैं, जिनको हम कर लेंगे आज कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर ये लाइव सेशन पहली बार देख रहा है बेटा, आप तीनों रिकॉर्डेड सेशन प्लेलिस्ट से देख सकते हो। YouTube पर ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ CA फाइनल ऑडिटिंग मैराथन। काफी स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा है, तो जब हम बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, या हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है यदि वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प हो तो। बेटा चिंता मत कीजिएगा, डोंट वरी। अभी वीडियो के देखिए आखिरी तक मेरी भी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और उसके बाद फिर से टाइम स्टैम्प डालना ये देखकर कि कहां पर क्या कवर हुआ है थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। बट यस, आज हमारा लास्ट स्टैंडर्ड का लेक्चर है, तो आज इस वीडियो के बाद आई विल स्पेंड सम 30 मिनट्स और 1 आवर, और जितने भी टाइम स्टैम्प्स है डे 2, डे 3, डे 4 के अंदर वो मैं आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप जब भी फ्यूचर के अंदर जब भी आपको कोई स्टैंडर्ड रिवाइज करना हो आप फटाफट से टाइम स्टैम्प्स को फॉलो करते हुए रिवाइज कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए कि भैया लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है और फटाफट से आप आकर ज्वाइन कर लो। प्लीज डू दिस एक्टिविटी, इट विल टेक यू हार्डली 10 to 15 seconds। टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दो, चैनल पे मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। और आज रिचा, धनेन्द्र, अमय नागर, विपिन यादव, मोनिका पटेल, गौरव, अंशुल अग्रवाल, विवेक, मधुरा, सेम बच्चे हैं ये तो, वैभव, तुषार और अभी यादव, प्रज्वल, राखी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में, थैंक यू सो मच फॉर सर। दुष्यंत कुमार, थैंक यू बेटा। सर सीए इंटर का भी देखेंगे जरूर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम सीए इंटर का भी लाइव या फेस टू फेस दिल्ली के अंदर लेकर आए। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्लीज सर कंफर्म दैट ऑफर 19 फास्ट ट्रैक इन प्लेस ऑफ बूस्टर अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं दुष्यंत कुमार, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है बूस्टर में, सिर्फ बूस्टर मिलेगा। ये अवेलेबल था उन तीन दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना प्यार बरसाया था, उनके अलावा ये किसी को भी नहीं मिल पाएगा। जो भी स्टूडेंट अब बूस्टर लेगा उसे बूस्टर ही मिलेगा। और आपको एक और बात बता देता हूँ, बूस्टर भी कल वेबसाइट से चला जाएगा। तो कोई स्टूडेंट सोचे कि चलो यार अब बूस्टर ही ले लेते हैं या बाद में बूस्टर ले लेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज टुमोरो 25th of October तक बूस्टर है, और उसके बाद बूस्टर भी वेबसाइट से चला जाएगा, उसके बाद बूस्टर भी आपको नहीं मिल पाएगा। क्या बात है, चंडीगढ़ वाले नहीं भूलते हैं अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू, लव फ्रॉम चंडीगढ़, सभी चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स का स्वागत है। चलो जी, आज वैसे पढ़ाने का मूड है ना थोड़ा कम था, तो मुझे लगा चिट चैट करेंगे, थोड़ी बच्चों से बातचीत करेंगे। फिर अग्रिमा मैम डांट देती है मुझे, कह रहे तुम्हारा ये मन है ना काबू में रखो। आज क्या है ना, हमारी ही सोसाइटी में, मेरे ही टावर में हम एक फैमिली से मिले, तो वहां पे काफी टाइम स्पेंड किया, आज भी काफी खेली, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आज पढ़ाने का। मुझे लग रहा था आज मस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कोई तलवार लेके खड़ा हो ना, और आपको भाई हम तो नौकर आदमी है। आज कैमरा शायद थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मुझे, कैमरा में दिक्कत आपको लग रही है क्या? थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि फेस क्लियर नहीं आ रहा, कलर आ रहे हैं फेस पे। लो जी, कोई बात नहीं सर, आपके फेस के कलर का हमको क्या करना, हमने तो आप कंटेंट पे लो बस। सर आपके साथ ओल्ड वीडियो देखने के, और मैंने आज कैंपस में डेलॉइट में हो गया फॉर स्टैट ऑडिट प्रोफाइल, थैंक यू। रोहित गुप्ता,
कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी यहाँ पर आकर बताया। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, उनको भी जरूर आप थैंक यू बोलिएगा, अपने मम्मी को, पापा को, उन सबको जरूर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। ठीक है जी, आज 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में सब निपटा देंगे। चलो जी मैं स्टार्ट करूं एक बार। जितने भी 175 स्टूडेंट्स आर लाइव, तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो सो दैट आई कैन स्टार्ट, और मेरे को आपका मैसेज क्लियर मिल जाए कि यू आर रेडी फॉर दिस स्टडी। जल्दी से कर दो एक बार। अच्छा जतिन जी, नहीं हटाएंगे, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बाद में देखते हैं, नहीं हटाएंगे। अच्छा आज मैच भी है क्या? एक बच्चा कह रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लाइक कर दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पहले ही बताओ आज मैच आ रहा है क्या? यस और नो? सर आपके होम का लाइट का वीलोग, भार्गव मालविया, लाइट का वीलोग इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि अभी तक लाइटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बच्चा पूछ रहा है लाइट का वीलोग आप कब बनाओगे? लाइटिंग का वीलोग कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस दिन मेरी लाइटिंग कंप्लीट हो जाएगी घर की मैं बना दूंगा। क्योंकि उसमें काफी कुछ आपको लर्न करने के लिए मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जब कंप्लीट हो जाए तभी आप वो वीडियो देखें। इसीलिए मैंने घर का कोई अभी तक सेकंड वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जब पूरा घर एक तरह से फुल्ली डिजाइनर वाला जो भी काम चल रहा है वो सब कंप्लीट हो जाए, देन आई विल मेक वन वीडियो, फिर उसके बाद सारी जो भी चीजों की आप वीडियो बोलोगे मैं बना दूंगा। कल का स्केड्यूल क्या रहेगा हर्षिता सिंगल? आप ही स्टूडेंट्स लोग बता देना कि कल कितने बजे लाइव प्ले करना है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ईडी, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। यार फटाफट से वीडियो लाइक कर दो ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट, क्योंकि जब तक आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगाओगे ना, मैं समझूंगा कि अभी बच्चे रेडी नहीं है। यू आर 200 स्टूडेंट्स लाइव एंड 94 स्टूडेंट आर जस्ट मार्क देयर अटेंडेंस, तो बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएं और मेरे को बताएं कि सर यस वी आर रेडी। सर सीए इंटर, और एक पोल करके मेरे को बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग बोथ ग्रुप्स एंड सिंगल ग्रुप। ये पोल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, तो इसका रिप्लाई करो। आर यू गिविंग बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप? जाने क्या होगा रमारे। भाई बोथ वाले फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होंगे या फिर सिंगल, तो मैं एज्यूम करूंगा कि यू आर ए फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट। ठीक है, ला लो जी, कल अर्ली मॉर्निंग चला दूं? आप जब बोलोगे तब चला देंगे अपन, उसका एक डिस्कशन अलग से कर लेंगे कि कितने बजे लाइव आपको देखना है। एक तो अनुज को ये बड़ा जानना होता है कि कौन सी ये फाइनल या इंटर होता है। ठंड पा यार, क्या फर्क पड़ता है। सर फास्ट ट्रैक की सीरियल की कब आएगी? बेटा उसके लिए आप सीए इंडिया पे बात करो, वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। जल्दी से वोट करो फटाफट से, 200 स्टूडेंट्स वोट करो कि यू आर गिविंग बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, क्योंकि ये डिसीजन आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिन में चला दो तुषार, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, हम कर लेंगे। अब अपन पढ़ाई पे आ गए हैं, अब अपना ये वाला स्टडी रिलेटेड मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया है। वी ऑलरेडी स्पेंट 8.5 मिनट ऑन ऑल दिस डिस्कशन, नाउ लेट स्टार्ट दिस स्टडी। ठीक है नमन, आई रिसीव्ड योर मैसेज बेटा। कल का वैभव लाइव रहेगा बट लाइव में रिकॉर्डेड रहेगा। सो रहा हो यार, मैं ऑलरेडी देखो 3 बार आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग थ्री थर्ड टाइम। विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट द टुमोरो शेड्यूल, सो प्लीज स्टिक टू द सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप और टू द स्टडी। अमित शर्मा, सर आपके पास कितने पैसे हैं? हजारों करोड़ पैसे हैं भैया, बहुत पैसे हैं, भगवान की दया से बहुत पैसे हैं। क्या करना है, पैसे जितने जरूरत है उतने मिल जाते हैं। स्केड्यूल ऑफ मैराथन विल हेल्प, अभी मैंने एज सच कोई कॉन्क्रीट स्केड्यूल नहीं बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह से प्लानिंग होती है, मैं आपको थोड़ा प्लानिंग के बारे में भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे ना मैराथन का टाइम वेस्ट होता है। एक बच्चा बोल रहा था स्केड्यूल ऑफ मैराथन, तो मैं दूसरे टाइप की प्लानिंग के साथ ये मैराथन ले रहा हूँ। वो प्लानिंग कैसे करते हैं वो हम अलग से सीख लेंगे। फास्ट ट्रैक नोट्स एंड मेन बुक में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। कीजिए जी, तो आई रिसीव्ड 182 वोट्स एंड 60% स्टूडेंट्स आर गिविंग सिंगल ग्रुप। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ आज की मेन बात, देखिएगा।
सभी बच्चे लिख सकते हैं अगर जो लिखना चाहें, कैटेगरी वाइज ही लिखवा रहा हूँ वैसे तो। एसे 300 और 315, 320, 402, 299। हमारे बैलेंस स्टैंडर्ड कौन कौन से है बाबू? 450। हालांकि 450 ये कैटेगरी नहीं है तो नहीं डालता हूँ यहाँ पे। 450 बताना कौन कौन से, पेंडिंग है अभी हमारे। मैं लिख लेता हूँ ना, 200, 210, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 299, 299 लिख चुका हूँ मैं। 300, 315, 20, ठीक है, 330, 330, 402, 450, 500, 501, 55, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 570, 580, डन। 600, 10, 20, तीनों डन। 70, 700, 701, 705, 710, 710, सब हो गया, सब हो गए। तो ए इनके अलावा अगर कोई भी पेंडिंग हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसीलिए मैंने कहा था आज मैं मस्ती के में उड़ में हूं थोड़ा। कवरेज ऐसे 300 आपके सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है, ऑडिट प्लान स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम, याद है? इस वाले चैप्टर का पूरा लिंकेज होता है ऐसे 300 के साथ, और इसी में ही आप पूरा स्टैंडर्ड एक तरह से पढ़ते हो। सोनल जैन कहाँ हो बेटा, सुबह रात रात को थोड़ी लगा ली क्या आज आपने? कल लास्ट ऐसे ही ऐसे 720 था। एसक्यूसी 22 के 220 के साथ एसक्यूसी की सारी कवरेज हो गई जितनी रेलेवेंट होती है। निधि जैन तो अलग ही दुनिया से आई है, ऐसे 800 सीरीज को रिमूव हुए सालों हो गए। ये कहाँ से आते हो आप लोग, मतलब आपका दिमाग कहाँ है? पढ़ाई पे है, सिलेबस पे है, कहाँ गुम हो आप बेटा जी? 320, 315 सॉरी, ये हमारा जो इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर आएगा। 315 का मैं पूरा डिस्कशन कर लूंगा एसे का, लेकिन एसे के अंदर तो समझ लो 15% कंटेंट है, असली कंटेंट हमारा छुटा हुआ है इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है? पूरा यहाँ पे कवर होगा। एसे 320 के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा। 330 रिस्पॉन्स की बात करता है, जो अगेन आपके इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में पूरा कवर होता है। 402 के ऊपर अलग से बात करेंगे। 572, 320 जो स्टैंडर्ड है आपका वो ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है। 402 ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है, 570 ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है। 450 को बी में डाल लीजिए, 330 को बी में डाल लीजिए। 315 बेस है, 315 जिसको आ गया मतलब उसको मेन ऑडिट का बेस पता चल गया, इसलिए ये ए कैटेगरी में, 300 सी कैटेगरी में, क्योंकि चैप्टर के साथ आता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन से स्टैंडर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिर्फ चार स्टैंडर्ड के लिए आपको कुछ बोलना चाहूंगा, हालांकि मैं आज सारे कवर करूंगा यहाँ पे इस मैराथन के अंदर। एक तो भैया 315 के लिए, एक 320 के लिए, एक 402 के लिए, एक 570 के लिए क्या बोलना चाहूंगा बताओ आप? क्या बोलना चाहूंगा मैं इन चार स्टैंडर्ड के लिए? 315, 320, 402, 570। मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा जी, आप इन चार स्टैंडर्ड की डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, चारों स्टैंडर्ड की ही डिटेल वीडियो। ऐसे 320 का मैंने 1 आवर का लेक्चर डाल रखा है, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस लाइव लेक्चर के अंदर, गारंटी, वारंटी नहीं गारंटी। ये लेक्चर आप देखोगे ना मेरा 1 घंटे का, अगर आपने ये वाली क्लास देख ली एसे 320 1 आवर का जो लेक्चर है, तो आपको पता चलेगा कि रियल में कैसे मटेरियलिटी निकाली जाती है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये एसे 320 देख रखा है ऑलरेडी 1 आवर का लेक्चर? एसे 315 मेरा 3 से 4 साल पुराना वीडियो है, आप वो देख लेना। 402 पता नहीं मैंने डाल रखा है नहीं डाल रखा, अदरवाइज आज के मैराथन में हम डिस्कस कर लेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। 570 का मैं आपके लिए स्पेशली एक 20 मिनट का अलग से वीडियो बना दूंगा, और बताओ थोड़ा डिटेल वीडियो जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए, सेपरेट वीडियो डाल देंगे। हाँ जी, ऐसे 299 ये कैटेगरी स्टैंडर्ड है, कहाँ गया वो? अच्छा, ऐसे 299 छूट गया क्या मुझसे?
299, और 299 को भी आप लॉन्ग वीडियो में देखेंगे, 299 को भी, और इसका भी 1 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, आज हम सारे स्टैंडर्ड, इन सभी स्टैंडर्ड को मैराथन में तो कवर कर ही लेते हैं, लेकिन इन पांचों स्टैंडर्ड का लिंक 299, 315, 320, 402, 570 इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिटेल वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। जब भी आपके पास टाइम हो, मतलब आप कभी खाली बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको जितना भी टाइम हो, आप day 4 में आना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना, वीडियो पे क्लिक करना और नॉलेज को गेन करना, ठीक है जी। लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या बड़ा ही आसान है, आप यूट्यूब पे सिर्फ डालिए ऐसे 299 बाई सी ए कपिल गोयल, वीडियो आ जाएगा। ऐसे 315 बाई सी ए कपिल गोयल, ऐसे 320 बाई सी ए कपिल गोयल, तो देख लेना 1 घंटे वाला वीडियो, और ऐसे 570, और ये मैं डाल दूंगा। तो ये आपको 5 स्टैंडर्ड डिटेल में करने हैं। अगर आपका सिंगल ग्रुप है तब तो बिल्कुल, और अगर आपके पास बहुत ग्रुप है और आपको लगता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप फिर इनको आप स्मॉल वीडियो से करके जाइएगा। चलिए जी, अब आज की चर्चा करते हैं स्टार्ट, बहुत हो गया डिस्कशन। अब कुछ बच्चे ना डिस्कशन स्किप कर देते हैं, कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं मेन वीडियो स्टार्टेड एट 16 मिनट 15 सेकेंड्स, तो जो बाद में देखने वाले बच्चे हैं वो 16 मिनट 15 सेकेंड पे आ जाते हैं, और उनको ये नहीं पता चलता कि भैया 8 मिनट तक तो चलो मैं मानता हूँ टाइम वेस्ट हुआ है हमारा, 8 मिनट से 16 मिनट के अंदर एक कुछ मेन डिस्कशन हुआ है, तो वो भी स्किप हो जाता है। जो वीडियो रिकॉर्डेड में देखते हैं उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, चाहे आप 2 की स्पीड पे देखें, स्टार्टिंग का पार्ट देखें जरूर, क्योंकि काफी टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जो शायद आप लोगों का मिस हो सकता है। लो जी, अब आता है एक स्टैंडर्ड आपका, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप किसी क्लाइंट का ऑडिट प्लान करते हैं, तो आप बताइए आप क्या क्या देखना चाहोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सर प्लान करना है मतलब या तो न्यू क्लाइंट हो सकता है, या कोई पुराना ही क्लाइंट हो सकता है जिसको मैं कंटिन्यू करूं, इसका मतलब जो ऐसे 220 के अंदर हमने पढ़ा था, कल ही तो शायद हमने कवर किया था, ऐसे 220 के अंदर हमने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था एक्सेप्टिंग द न्यू एंगेजमेंट और कंटिन्यू दी एंगेजमेंट। उसके अंदर आप क्या क्या देखते थे, वो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, कोई बिजनेस आया है क्या, कॉम्पिटेंस ऑफ योर टीम, वो सारे पॉइंट आपको प्लानिंग में देखने पड़ेंगे। क्या प्लानिंग के अंदर आपको बिजनेस भी देखना पड़ेगा, मतलब वो 220 के सारे पॉइंट आपको प्लानिंग में देखने पड़ेंगे, ऐसे 200 के सारे पॉइंट देखने पड़ेंगे कि स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे 210 भी आपको प्लानिंग स्टेज पे देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे स्कोप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। तो 200, 210, 220 आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के टाइम पे देखना ही देखना पड़ेगा। हालांकि इसको हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के साथ जो ऑडिट प्लानिंग की बात करता है, तो ये अभी हम चार्ट से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, परफॉर्म प्रोसीजर एज पर ऐसे, क्या आपको एंगेजमेंट टर्म्स देखनी है ऐसे 210 के हिसाब से, क्लाइंट एक्सेप्टेंस देखना है एज पर ऐसे 220 के हिसाब से, आप इंडिपेंडेंस भी देखेंगे ऐसे 220 के हिसाब से। प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर आप क्या क्या करोगे, स्ट्रैटेजी के पास आप मेरे को बता सकते हैं कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम 3 चीजें होती है, तो स्ट्रैटेजी को आप कहाँ रखना चाहोगे, step 1 पे 2 पे या 3 पे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जो होती है वो पार्टनर लेवल के लोग या बड़े लेवल के लोग बनाते हैं, जिसको हम step 1 बोलेंगे, जिसके अंदर ओवरऑल क्लाइंट के बारे में बातें कवर हो जाती है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्लाइंट का रिस्क कितना है, क्लाइंट का हमारा टोटल बजट कितना है, क्लाइंट पे किस तरह के लोग काम करेंगे। तो इस तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो कि हमारा step 1 होता है, जिसके बाद विल मूव टू दी प्लानिंग स्टेज, विल मूव टू दी प्लानिंग स्टेज समझ ली, जो कि एक मैनेजरियल लेवल का काम आ गया, जिसके अंदर हम हर एरिया को प्लान करते हैं, हर एरिया के रिस्क का डिस्कशन होता है, हर एरिया में हम कितना टाइम लगाने वाले हैं वो डिस्कशन होता है, हर एरिया की टाइमलाइंस डिस्कशन होती है। उसके बाद बनता है प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर हम क्या कवर करते हैं, किस किस एरिया के अंदर मैं क्या क्या टेस्ट करने वाला हूं, मेरे को क्लाइंट से उन टेस्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से एविडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप प्रोग्राम को एक चेकलिस्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज, कि भैया ठीक है मेरा ये काम करना है मुझे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग पे आप क्या देखोगे, भैया मेरा रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, जब मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट करता हूं तो उससे पहले मैंने जितने भी काम किए हैं उनका रिजल्ट क्या है, क्या मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट भी कर सकता हूं क्या, क्या या मैं क्लाइंट को कंटिन्यू भी करूं या ना करूं। नेचर एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, जिस क्लाइंट को आप करने वाले हो किस तरह का काम आपको करना है, स्टैट ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है, या आपको कोई एश्योरेंस सर्विस मिली है, नेचर एंड स्कोप आप समझने की कोशिश करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप देखते हो, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो आप टीम के साथ डिस्कस करते हो, क्लाइंट से पूछने की कोशिश करते हो कि भैया आप बताइए, आप इंक्वायरी करते हो कि आपके यहाँ पे कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, कोई ऐसी बात जो आप ऑडिटर को बताना चाहो, नॉलेज आपको एंटिटी की होनी चाहिए,
और उसके बेसिस पे आप अपना नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप लोग डिसाइड करते हो। आप ऐसे 315 की बात आती है कि भैया आपको रिस्क असेसमेंट करना है और जो रिस्क के बेस पे आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, और अगर आपको कोई भी गलतियां वगैरह मिलती है, कोई भी रिस्क मिलता है, तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या फिर हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज पे क्या मेरे को कोई अपना प्लान अपडेट करने की जरूरत है? क्या अपने प्लान को आप कभी रिवाइज करते हो? क्या अपनी मटेरियलिटी को कभी रिवाइज करते हो? क्या अपने रिस्क को कभी रिवाइज करते हो? जी हाँ, डेफिनेटली। अगर एग्जीक्यूशन स्टेज पे मुझे कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता है जिसके वजह से मुझे लगे क्या देर आर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं या मैनेजमेंट मुझे कोई डेटा नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उस स्टेज पे आकर मैं देखता हूं क्या मुझे रिस्क को रीअसेस करने की जरूरत है या नहीं। और अगर रिस्क रीअसेस होगा, पूरा प्लान रीअसेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लान मेरा प्रोग्राम भी पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, और अपन प्लान करते हैं नेचर डायरेक्शन, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू एज पर एसए 220। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको स्ट्रेटजी, प्लान और अगर चेंज हुआ है तो चेंजेस, इनिशियल ऑडिट आपने पढ़ी लिया था ऐसे 510 के अंदर, सारे ऊपर वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, प्रीडेसेसर ऑडिटर से भी रिलेटेड सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। सर क्या इस स्टैंडर्ड को छोड़कर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप छोड़कर जा सकते हो, चैप्टर 2 के साथ जितना भी कंटेंट आप रीड करते हो उसमें ये 100% कवर हो जाता है। ठीक है, तो ओनली चार्ट अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हालांकि चैप्टर 2 के अंदर ये सारे पॉइंट डिटेल में कवर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? फिर आता है मेन चर्चा का विषय, दिस इज द मेन पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315। कितने बच्चों को 315 क्लियर है जरा मेरे को हैंड रेज कर दो, क्योंकि देखिए अगर 315 नहीं आता ना आपको तो बड़ी ही दुविधा है, फिर तो मतलब आप एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं है ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बहुत बड़ा, अगर आपका 315 का कंसेप्ट वीक है तो। 315 क्या कहता है देखिए, identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। और मैंने देखिए स्टैंडर्ड का नाम कंप्लीट कर दिया, अगर आप स्टैंडर्ड का नाम पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपको रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल काफी जगह पे मिसिंग दिखे, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। मैं दोबारा स्टैंडर्ड का नाम पढ़ रहा हूं, identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment including the entity internal control। आप रिप्लाई करते रहिए, मैं देख रहा हूं। चैप्टर नंबर इंटरनल कंट्रोल की कुछ बातें बता रहा हूं बस। ऐसे 320 में मटेरियलिटी निकालते हो? अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो यही पता चल जाएगा। एनटीईओ बताओ क्या लिखूं? आप तो क्या टेंशन है, क्या बात है मेरे बाबू, सही बात है, अगर मैं हूं तो क्या टेंशन है। लो जी, एक बेस रखा है सिर्फ जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं आइडिया, तो देखिए ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड एसेस। आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद एसेस भी करना है। एसेस मतलब ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, कितना रिस्क है। आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में रोमम बोलते हैं हम? यस सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में रोमम बोलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैसे करेंगे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। कह रहा है कैसे करना है, अंडरस्टैंड करो एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को एंड इंटरनल कंट्रोल को। देखिएगा आप सभी बच्चों को पता होगा रोमम हम निकालते हैं कैसे, एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझते हुए और उसके कंट्रोल को समझते हुए। तो एंटिटी एनवायरनमेंट से मैं क्या निकालता हूं, आईआर निकाल लेता हूं, कंट्रोल देखते हुए मैं कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हुए कंट्रोल रिस्क निकाल लेता हूं।
इन दोनों से मेरा रोमम निकल गया, और साथ में ही ऐसे 320 के अंदर मैं क्या निकालता हूँ, मटेरियलिटी निकालता हूँ। रोमम एंड मटेरियलिटी मेरे को बेटा किस चीज के लिए हेल्प करती है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है, जिसको मैं ऐसे नंबर 330 के अंदर रिस्पॉन्स की वजह रिस्पॉन्स करता हूँ। मतलब जितने भी रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किए होते हैं, जितने भी रिस्क के बेस पे जो मैंने मटेरियलिटी निकाली होती है उसके बेस पे मैंने ऐसे 380 के अगेंस्ट उस पर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, मेरे को कैसे काम करना है, वो मैं 330 के अंदर डिसाइड करता हूँ कि मेरे को टीओसी कितनी करनी है, टीओडी कितना करना है। तो 330 बेसिकली रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करने की बात करता है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, ये आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब बच्चा पूछेगा कि सर आपने बोला आइडेंटिफाई करो एंड एसेस करो रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ना अपन स्टिक रहेंगे अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो आप बताइए, जब आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया, जिसकी बात करते हैं अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। मतलब मुझे एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है और कंट्रोल को करना है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, आप एंटिटी को जब अंडरस्टैंड करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर वन हो सकता है आपका, तो आप क्या क्या देखेंगे बताइएगा कमेंट में। सर हम देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री का मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, ओनरशिप कैसा है, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कैसा है, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्लाइंट का एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी क्या है, एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। क्या एंटिटी को समझने के लिए सारी चीज़ें आप देखोगे? जी हाँ सर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि रोमम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी समझना होता है, ये देखने के लिए कि कंपनी में सारे इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं। कंट्रोल के अंदर अपन तीन चीजें देखते हैं, सबसे पहले डीएनआई डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, कि कंपनी ने सही कंट्रोल डिजाइन किए हुए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद मैं देखता हूं वेदर दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल आपने लगा दिया, वो तीन महीने तो काम कर रहा है फिर फेल हो रहा है, वो पूरे साल वो कंट्रोल आपका काम करना चाहिए। तो कंट्रोल भी हम लोग देखते हैं। फिर आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि भैया क्लाइंट ने क्या ऐसा कल्चर बना रखा है ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर वाला। अब देखिए कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपके कितने पॉइंट है, 1 और 2। अब आप इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में जाके देखो, कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा एक डिटेल कंसेप्ट है। तो यार लिख लो रेफर चैप्टर 3 है शायद आपका इंटरनल कंट्रोल, या फिर आप एसए 315 के ऊपर ही लिख दो रेफर चैप्टर इंटरनल कंट्रोल और इस स्टैंडर्ड को काट दो, क्योंकि वहां पे पूरा स्टैंडर्ड डिटेल में कवर हो जाता है, ठीक है। अब एक ऑडिटर जो है वो एंटिटी से भी पूछता है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है भैया आपने बिजनेस वगैरह समझ लिया। हम कंपनी के मैनेजमेंट से भी पूछते हैं कि आप कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, आप कैसे एस्टिमेट करते हो कि कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं और वो हो सकते हैं, और उनको आप कैसे एड्रेस करने की कोशिश करते हो। तो ये बेसिक बात है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, आप किसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो भैया, ये सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ऊपर अंडरस्टैंडिंग किसके रिलेटेड थी, बिजनेस के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, ये है अकाउंट से रिलेटेड। क्या क्या देखोगे आप, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस देखोगे, प्रोसेस प्रोसीजर्स देखोगे क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारे देखोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम देखोगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था IRPR, जो कि अभी आएगा, इनिशिएशन रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग का क्या फ्लो है वो भी हम लोग समझते हैं। सारे कंट्रोल्स देखते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है वो सारे देखते हो। तो 5 पॉइंट और 6 पॉइंट हो गया मेरा फाइनेंशियल से रिलेटेड, मेरे को क्या क्या समझना है। ऊपर वाले कौन से पॉइंट थे सर, फिर एंटिटी के रिलेटेड मुझे क्या क्या समझना है, अकाउंटिंग को हटाकर मैं फाइनेंशियल लिख रहा हूं। एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, हाँ एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, ये हम करते कैसे हैं, क्या करना है वो तो चलो बुक बता रही है आपको, करते कैसे हैं कोई बच्चा बताएगा, करते कैसे हैं वॉक थ्रू कर। हालांकि शुभम अग्रवाल ने ऑलरेडी लिख दिया सर ऐसे 315 में सिर्फ वॉक थ्रू एंड डीआई कवर होगा ना, नहीं आप बोल सकते हो कि मैं सिर्फ रिस्क को एसेस करूंगा, टेस्ट में आगे करूंगा, आप ये बोल सकते हो कि मैं सिर्फ रिस्क को एसेस भी तो कर लेते हैं ना। देखिए शुभम अच्छी क्वेरी है इसलिए रिप्लाई कर रहा हूं, आपने वॉक थ्रू किया, वॉक थ्रू के अंदर कितने स्टेप कवर होते हैं जरा बता दो, वॉक थ्रू के अंदर कितने स्टेप कवर होते हैं,
आप एक प्रोसेस को बिगनिंग टू एंड पूरा अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, बिगनिंग टू पूरा अंडरस्टैंड करते हो और उसको उसके रिस्क के इम्पैक्ट को भी असेस करते हो। क्या उसको टेस्ट करते हो? क्या क्या फिर टेस्ट भी करते हो क्या? यस और नो में आंसर दे दो बस, यस और नो में आंसर दे दो। ऐसे 315 के अंदर टेस्टिंग भी इन्वॉल्व है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स। प्रोसेस व्हाट कुड गो रॉन्ग कंट्रोल, शुभम अग्रवाल ने बिल्कुल पहले भी क्वेरी शायद आप ही की थी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। प्रोसेस व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड कंट्रोल, टेक्निकल लैंग्वेज में पहले बच्चे ने आंसर दिया है। प्रोसेस रिस्क कंट्रोल, मोनिका ने भी सही दिया है। मुझे लगा आप लोगों को पता ही नहीं होगा, मैं इसको हल्के में लेके चल रहा था आप लोगों को। क्या बात है, आप लोगों ने तो मेरे को इंप्रेस कर दिया। क्या टेस्टिंग भी आएगी क्या? आंसर इज नो, टेस्टिंग नहीं आएगी। इसके अंदर हम वॉक थ्रू की 3 चीजें कवर करते हैं। हम क्लाइंट का पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर कितने रिस्क हैं वो सारे रिस्क देखते हैं, और उन रिस्क को मिटिगेट करने वाले कौन कौन से कंट्रोल हैं उनको देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पे अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अपन देखो थोड़ा वॉक थ्रू से रिलेटेड बातें करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। नो टेस्टिंग, वो हम टीओसी में करेंगे। मतलब ऐसे 330 बात करता है टेस्टिंग की, टीओसी की भी बात करेगा, टीओडी की भी बात करेगा। तो ये हो गया मेरा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। ऐसे 315 के अंदर कंट्रोल एक्टिविटी रिलेवेंट टू मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये सारी बेसिक बातें हैं। क्या अब आप आइडेंटिफाई करोगे? अभी हमने अंडरस्टैंड किया, आपने देखो वॉक थ्रू के अंदर कितनी चीजें कवर की बेटा, वॉक थ्रू के अंदर आपने 3 चीजें कवर की। सर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, रिस्क को देखो और फिर कंट्रोल्स को देखो। अब हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया सिर्फ बिजनेस को और उसके अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैटर्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। क्या अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क? बताइएगा, जो प्रोसेस हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया है कि कंपनी का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कैसे एप्लीकेशंस लगाती है, कैसे किसी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करती है, क्या अब उस ट्रांजेक्शन के अंदर मैं आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क? बताइएगा, क्या सिर्फ आइडेंटिफाई करूंगा या एसेस भी करूंगा? सर एसेस भी करेंगे, उसका इंपैक्ट कितना है ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर टू। क्लियर है स्टेप नंबर टू? क्लियर है बेटा? द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट द अजर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल बात करता है ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे, अजर्शन लेवल बात करता है मेरे अकाउंट लेवल पे, ट्रांजेक्शन लेवल पे। इसको डिटेल में आप वहां समझ सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग, और ये मैं क्यों कर रहा हूं? अंडरस्टैंड में, अंडरस्टैंड के बाद मैं आइडेंटिफाई एंड असेस क्यों कर रहा हूँ? रिस्क, रिस्क को असेस क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि हम डिसाइड कर सकें हाउ मच चेकिंग इज रिक्वायर्ड। मैं भी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, हाउ मच चेकिंग इज रिक्वायर्ड, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। आइडेंटिफाई रिस्क करेंगे, एसेस एंड इवेल्युएट करेंगे आइडेंटिफाई रिस्क को, भैया कितना है उसका इंपैक्ट है। रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग एट द अजर्शन लेवल, अकाउंट लेवल पे वो कितना कितना इंपैक्ट कर सकती है, और फिर उसका मिसस्टेटमेंट का लाइकलीहुड, और जिन रिस्क के लिए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगाना है उनको हम देखेंगे। क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगाना चाहिए? क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक ऑडिटर को स्पेशल कंसिडरेशन लगाना चाहिए? सर जितना भी मेरा फ्रॉड रिस्क होता है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट रिस्क दैट इन्वॉल्व रिलेटेड पार्टी, और एस्टिमेशन वाला पॉइंट भी आप यहाँ डाल सकते हो, सब्जेक्टिविटी, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, इनके लिए आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, या फिर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मैनेजमेंट ओवर, क्या बात है, शुभम अग्रवाल के पॉइंट थोड़े यूनिक आ रहे हैं मेरे पास, अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, अगर कोई आपको मटेरियल वीकनेस मिलती है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, क्या आप कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट के साथ और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ? बिल्कुल करेंगे सर। इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है तो ऐसे 260 के साथ 265 भी लिख लेना, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको भैया ऐसे 315 के सामने आई विल सजेस्ट, यहां से ये 3 क्वेश्चन करने से अच्छा है इसको रिमूव कर लो और लिख लो कवर विद
इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ऐसे 320 के अंदर मैं डायरेक्ट आपको चार क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट आपको चार क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहला तो यही क्वेश्चन है, मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी का मतलब है एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा फिगर जिससे किसी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इंपैक्ट हो सके। मटेरियलिटी हर क्लाइंट के लिए अलग हो सकती है। मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा जो कॉमन यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिए, यूजर का इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकता है, तो हम हर यूजर के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कॉमन जो इंटरेस्ट है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या है, उसके बेस पे हम लोग मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं। तो ये क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको बता देता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, दे जनरली एक्सप्लेन दैट। तो आप लिख सकते हो इसको क्वेश्चन नंबर वन, क्या मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आर मटेरियल। कब मटेरियल होगा? इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मटेरियलिटी निकालने के लिए जजमेंट यूज किया जाता है क्या? अगर एक क्लाइंट की मटेरियलिटी मैं निकालूं और उसी क्लाइंट की मटेरियलिटी आप निकालें, क्या अलग हो सकती है? या सर बिल्कुल अलग हो सकती है। जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस एंड आर अफेक्टेड बाय द साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटेरियल टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मटेरियलिटी को किस किस टर्म्स में एक्सप्लेन करता है, आपको तीन पॉइंट बताने हैं। ऐसा नंबर जो कि इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स को, जजमेंट जो हम निकालते हैं वो साइज और नेचर ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से निकालते हैं, और जब मटेरियलिटी निकालते हैं तो कॉमन यूजर की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए निकालता हूँ। ठीक है, बाकी इनको आप स्किप कर सकते हैं या डिटेल वाली वीडियो में आप देख लेना। एक क्वेश्चन ये पड़ता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर होता है ना, देखिए अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हम लोगों के साथ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, फ्रॉड रिस्क होती है, हमारे पास हमारे काफ़ी लिमिटेशंस भी होते हैं। कि मान लीजिए अगर कोई मैनेजमेंट हमें कोई डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मैनेजमेंट हमें कोई किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो हम उसके साथ फोर्सफुली नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन में आप फोर्सफुली, आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, आप चीज़ों को सीज कर सकते हो, बट ऑडिटर के पास वो सारे राइट्स नहीं होते। तो इस और दूसरा, हम 100% चेकिंग नहीं करते, वी डू आर टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। तो जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको कौन यूज करता है बेटा? जनरल पब्लिक यूज कर सकती है ना। तो ऑडिटर ये एक्सपेक्ट कर सकता है किससे? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि उसे फाइनेंशियल्स को रीड करना आता है, उसे पता होना चाहिए जो हमने ऑडिट किया है वो एक सैंपल बेसिस पे किया है, हमने जो ऑडिट किया है उसमें हमने एक कंसेप्ट मटेरियलिटी फॉलो किया है, और ऐसा हो सकता है कि देर आर सम मिसस्टेटमेंट्स और स्टिल कि भैया फ्रॉड हम डिटेक्ट ना कर पाए हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है कि ऑडिटर क्या क्या एज्यूम कर सकता है यूजर के रिगार्डिंग। क्लियर है? क्या क्या आप लोग एज्यूम कर सकते हो, देखिएगा क्या भैया। सबसे पहले तो उसको एक रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की और इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और वो विलिंगनेस है उसके अंदर टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ए रीजनेबल इंटेलिजेंस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, दैट ही अंडरस्टैंड, यूजर अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एट द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। भैया हो सकता है छोटी छोटी चीजों को तो हमने ऑडिट ही ना किया हो, टेस्ट ही ना किया हो। तीसरा क्या कहता है, He understands that recognize the uncertainty inherent in the measurement of the amount based on the use of estimates, judgment and consideration of future event. यहाँ पे भी बहुत सारा uncertainties हो सकता है। Make reasonable economic decision on the basis of information in the financial statement. वो एक reasonable decision ले सकता है। तो ये user की competence की बात कर रहा है, user की skill की बात कर रहा है, user से क्या expectation है उसकी बात कर रहा है। तो ये हो गया question number two materiality के regarding। तीसरा question, ये तो सिंपल बेसिक बातें हैं, अगर ये भी नहीं आती तो भगवान श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मटेरियलिटी जो मैं निकालता हूँ क्या वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे निकालता हूँ या मेरे को एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी मटेरियलिटी को रिवीजन करना पड़ सकता है, और अगर हाँ तो बताइए कौन कौन सी सिचुएशन में आप इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है,
और मेटेरियलिटी मेरे को किस चीज में हेल्प करती है, रोमम एंड मेटेरियलिटी मुझे हेल्प करती है टू डिसाइड एनटीईओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। अब मेटेरियलिटी कैसे निकाली जाती है बेटा जी, सभी बच्चे बताएंगे सर मेटेरियलिटी निकाली जाती है, एक बेंचमार्क लेना होता है मेरे को, एक मुझे क्या लेना होता है बेटा, बेंचमार्क लेना होता है, और इस बेंचमार्क के ऊपर मैं एक परसेंटेज अप्लाई करता हूँ। तो बेंचमार्क कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी सर यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर की क्या नीड है उसके बेस पे। तो बेंचमार्क के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्या, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट के बेस पे मेटेरियलिटी निकाल सकते हो, एसेट लाइबिलिटी इन सब चीजों के बेस पे, वेदर दीज देर आर द आइटम ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस्ड। भाई यूजर का फोकस किस पे, यूजर का फोकस जनरली किस पे होता है सर, प्रॉफिट पे होता है, लेकिन काफी ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जहां पे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो उस केस में आप कैपिटल के बेस पे निकाल सकते हो, एसेट्स के बेस पे निकाल सकते हो। जो भी बेस आप लेंगे आपको ध्यान रखना है क्या, उसके अंदर वोलाटाइल नेचर का ना हो, वो ऐसा ना हो कि जो बेस आप ले रहे हो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल हो, तो आप मत निकालना उसके बेस पे मेटेरियलिटी। ठीक है, द नेचर ऑफ एंटिटी क्या है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वो अपने लाइफ साइकिल में कहाँ पर है, कौन सी इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर भी आप देखते हो कि वो इक्विटी बेस्ड है या डेट बेस्ड है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेटेरियलिटी को, बेंचमार्क को डिसाइड करने में। और ये हो गया हमारा वोलाटिलिटी। देखिए SA320 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप हर हर स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका डिटेल वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, और आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि समझ लो मैं मैराथन के अंदर 5% भी कवर नहीं कर रहा, वॉट आई गिव इन दैट 1 आवर वीडियो, नॉट इवन 5%। ठीक है, तो बेंचमार्क आपको सेलेक्ट करना होता है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या था मेटेरियलिटी है क्या बेसिकली, दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि एक ऑडिटर की यूजर से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तीसरा क्वेश्चन आया कि मेटेरियलिटी निकलती कैसे है, एक बेंचमार्क चाहिए एक परसेंटेज चाहिए, बेंचमार्क कैसे डिसाइड होता है वो, ये 5 पॉइंट। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये एक जो ऑडिटर होता है उसका जजमेंट होता है, परसेंटेज जो होता है मेरा वो प्रॉफिट के लिए अलग हो सकता है, रिवेन्यू के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें। दूसरा, मेटेरियलिटी जो निकाली जाती है वो अकाउंट वाइज भी अलग अलग हो सकती है। क्या मेटेरियलिटी के अंदर मुझे रिवीजन करना होता है क्या, बिल्कुल करना होता है सर, अगर ड्यूरिंग ऑडिट मुझे कुछ भी मिलता है या मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डेटा जो मेरे पास पहले होता तो मेरा डिसीजन कुछ और होता, तो मुझे मेटेरियलिटी को चेंज करना होता है। नितिन गुप्ता डाला था बेटा, नितिन गुप्ता बोल रहे हैं मैंने मैसेज नहीं डाला लाइव आने का, बिल्कुल डाला था जहां तक मुझे याद है। तो मेटेरियलिटी आप डिटेल वीडियो कर लीजिएगा। SA330 रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर बस दो ही बातें आती हैं कि भैया आपने जो SA315 के अंदर रिस्क निकाला है उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है। अब रिस्क हमने किस किस चीज के लिए निकाला है बेटा, एक तो सर कंट्रोल के लिए निकाला है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ TOC करता हूँ। एक मैंने किसके लिए निकाला है, सब्सटेंटिव के लिए निकाला है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ TOD करता हूँ। अब इन दोनों पे थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप TOC चेक करते हो तो आप क्या चेक करते हो बताइएगा, आज थोड़ा डिस्कशन आपसे, क्योंकि आज वाली चीजें ना बेस वाली चीजें, तो आपको जो यस डाला था विवेक बता रहे हैं डाला था, बताइए जब आप कंट्रोल टेस्ट करते हो, रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आप रिस्पॉन्स में क्या चेक करते हो कंट्रोल के अंदर सर, कंट्रोल का डिजाइन, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी, ये चीजें चेक करते हो ना कि कॉन्टिन्यू है या नहीं है, अगर हाँ तो ओके। अब कुछ सिचुएशन डालता हूं, मान लीजिए कोई लिस्टेड क्लाइंट का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ये अप्रैल ईयर स्टार्ट हुआ, यहां पे मार्च है, हम लोग क्या करते हैं दिसंबर में जाकर एक इंटरिम ऑडिट कर लेते हैं, इंटरिम ऑडिट कर लेते हैं, और यहां पे अप्रैल टू दिसंबर का हमने कंट्रोल टेस्ट कर लिया, कंट्रोल टेस्ट हमने कर लिया एंड एवरीथिंग इज इफेक्टिव, DNI भी अच्छा है उसका, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी अच्छा है उसका, एंड कंटिन्यू भी है वो, मतलब सारी अजर्शंस मेरी कंट्रोल टेस्टिंग की, अजर आपको पता है ना ये अजर्शंस हैं, आपको पता है ना ये अजर्शंस हैं, किसकी अजर्शंस हैं TOC की, काफी बच्चों के लिए अगर सरप्राइजिंग हो रहा होगा ना, अच्छा इनको अजर्शंस बोलते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा भगवान गॉड ब्लेस यू बेटा, TOD की अजर्शन मैंने आपको CVOP से बताई हुई है। ठीक है, तो ये अपन ने कंट्रोल टेस्टिंग की 9 महीने की, ये मैंने क्या बताया DNI एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड कंट्रोल्स कंटिन्यूटी, ये मेरी क्या है TOC की अजर्शन, आपने दिसंबर में चेकिंग कर ली, दिसंबर में यू आर सेटिस्फाइड कि सारी अजर्शन सही हैं, अब आप दिसंबर में टेस्ट करके चले गए और फिर से आप आते हो अप्रैल के अंदर,
या मई के अंदर। अब आप मुझे बताइए क्या मैं दोबारा कंट्रोल टेस्टिंग करूं या नहीं, बस इतना बताइए। अब आप मुझे बताइए वेदर वी शुड कंडक्ट अगेन कंट्रोल टेस्टिंग और नॉट। आपका क्या इस पे एज एन ऑडिटर आप लोग क्या करेंगे मुझे बता दीजिएगा। सिचुएशन मैंने आपके सामने रख रखी है। जल्दी सर, ऐसे केस में हम लोग कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर ली। अगर ये आपका आंसर था स्तेंद्रा, नहीं करेंगे। अगेन, पूरा अगेन, नो। चलो सोच लो, आप आंसर दे दो भाई। क्यों करेंगे जब हमने दिसंबर तक कर ली? क्यों करेंगे जब हम ऑलरेडी सारी कंट्रोल टेस्टिंग कर चुके हैं और हमने देख लिया सब कुछ सही है, तो दोबारा क्यों करेंगे? हर्षित, हर्षित, हर्षित गुप्ता का आंसर सही है। नालायक हो। मैंने एक अजर्शन भी लिखी है इसीलिए कि कोई बच्चा, समझदार बच्चा पकड़ ले। एक अजर्शन है आपकी कॉन्टिन्यूटी। आपने दिसंबर में चेक किया, आपने अप्रैल टू दिसंबर चेक किया, सारी अजर्शन सेटिस्फाई हो गई। अब आप आ रहे हो अप्रैल के अंदर या मई के अंदर और आप कह रहे हो यार कंट्रोल तो सारे ठीक थे, दोबारा क्यों चेक करने हैं? अरे भैया देखोगे ना कि दिसंबर से लेके मार्च एंड तक भी कंट्रोल्स ने काम किया है या नहीं किया है। तो मतलब कंटिन्यूटी के लिए मेरे को बैलेंस 3 महीने के सैंपल निकाल के चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक सिचुएशन था बैलेंस पीरियड के लिए मेरे को अजर्शंस का सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, भाई हमने कोई क्लाइंट का ऑडिट किया फर्स्ट ईयर, हमने उसकी टीओसी कर ली पूरे साल की एंड एवरीथिंग इज फाइन, डीएनआई इज फाइन, उसका एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इज फाइन, कंटिन्यूटी इज फाइन, ठीक है? नेक्स्ट ईयर हमने किया, एवरीथिंग इज फाइन। थर्ड ईयर मैंने किया, एवरीथिंग इज फाइन। अभी आप यहां पे आके खड़े हो, मान लो ये फोर्थ ईयर में किया, एवरीथिंग इज फाइन। आप यहां पे किसी फिफ्थ ईयर में आके खड़े हुए हो और आप कह रहे हो यार क्लाइंट का कंट्रोल टेस्टिंग मैं हर साल क्यों करूं, क्योंकि आपको पता है ना कंट्रोल तो सेम ही रहने हैं, तो मैं क्यों बार बार ऑडिट करूं यार कंट्रोल का? व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन कंट्रोल टेस्टिंग, व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन वॉक थ्रूज? तो आप मुझे बताइए, अगर आपने ऑलरेडी एक क्लाइंट का, भाई आप सालों साल ऑडिट कर रहे हो, कंट्रोल आपने पिछले साल टेस्ट कर लिए, तो क्या इस साल में भी आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी या नहीं? आप मुझे बताइएगा इसका आंसर। सर इस साल रहने दो, पिछले साल कर तो लिया हमने। एक बच्चे का ये आंसर हो सकता है, अगर ये आंसर है तो वो बच्चा धन्य है, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। दूसरा बच्चा बोलता है सर यस कर लेते हैं। भाई क्यों कर लें, पिछले सालों में तो कर लिया हमने, फिर क्यों बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उस बच्चे के साथ मुझे बात करनी है। आंसर नो है, आंसर तो नो ही है, लेकिन नो के साथ कंडीशन है नहीं नहीं सभी बच्चे, मेरे को पता था नहीं पता होगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया। इसी पॉइंट में मेरे को, इसीलिए देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं और आप कंट्रोल टेस्टिंग हर साल कर रहे हैं, तो आपको टीओसी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए। सर सबसे पहली बात तो, जब मैं सारे कंट्रोल टेस्ट कर चुका हूं तो इस साल भी मैं सारे कंट्रोल उठा के क्यों टेस्ट करूं? इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब सर मैं आऊंगा स्टार्टिंग के साल के, मान लीजिए एंड में आते हैं ना हम, तो एंड में आए क्लाइंट से मिलेंगे हम उसे इंक्वायरी करेंगे। क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे कि आपके यहाँ पे क्या कोई प्रोसेस चेंज हुआ है क्या, तभी तो अपन पता चलेगा कि अपने को वॉक थ्रू में चेंज करना है या नहीं करना। आपके यहाँ पे कोई कंट्रोल चेंज हुआ है क्या? आपके यहाँ पे कोई हायर मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज हुआ है क्या? क्योंकि हो सकता है पहले राम के पास पावर हो किसी चीज की, अब श्याम के पास आ गई हो। तो हम क्लाइंट के साथ पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन। क्लाइंट हमें बताता है, हाँ जी हमारे यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर ये चेंजेस आए हैं, हमारे यहाँ पे ये 2-4 नए कंट्रोल्स आए हैं, हमारे यहाँ पे पहले इनके पास ये पावर थी, अब उनके पास पावर चली गई। तो क्लाइंट का हम क्या करते हैं बेटा, डिस्कशन जो करते हैं ना वो पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं। क्या इंक्वायरी सफिशिएंट होती है क्या? नहीं। फिर जो क्लाइंट ने मेरे को बताया, मैं उन सब चीजों को क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखने के लिए कि जो जो नई चीजें आई है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसी के साथ जो मेरे पुराने साल के कंट्रोल होते हैं, बुक के अंदर देखो सारी की चीजें नहीं लिखी हुई हैं, बुक के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप थर्ड ईयर में कंट्रोल टेस्टिंग कर लो, जो कि गलत है, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है। उसके साथ कुछ चीजें आपके स्टैंडर्ड में मिसिंग है, जो कि हम रियलिटी में हमें करना पड़ता है। उसके साथ ही आप लोग क्या करते हो, जितने भी आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स होते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स जो होते हैं ना, उनको मैं इस साल भी सैंपल बेसिस पे देख लेता हूँ कि भैया वो सब काम सही कर रहे हैं क्या। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस, सारे चेंजेस को देख लिया, सारे सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स को एक बार देख लिया कि सही से काम कर रहे हैं क्या,
और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ ये देखने। भाई ऑब्वियसली फिर तो आप जा ही सकते हो ना, क्योंकि आपने मेजर कंफर्ट ले लिया कि भैया बाकी सारे कंट्रोल तो सेम है, तो ठीक है वो काम कर ही रहे होंगे, मैं ऑलरेडी इतना काम करते, मेरा पीवाई एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, पिछले सालों का मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, क्या मेरे को कुछ मिला है क्या, वो भी मैटर करता है। उसके अलावा पीवाई एक्सपीरियंस के अलावा मेरे को अपना पिछले साल के एक्सपीरियंस, इस साल के चेंजेस और सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स को इस साल देखना होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स को, और डॉक्यूमेंटेशन करके मैं सीधा सब्सटेंटिव ऑडिट पे जा सकता हूँ रोमम डिसाइड करते हुए। हाँ हमारा ऐसे कहता है कि एवरी थर्ड ईयर तो आपको ऑडिट करना ही करना है, टीओसी करना ही करना है। तो ये था मेरा कंट्रोल टेस्टिंग के ऊपर। टीओडी आपको पता ही है, हमें नंबर टेस्टिंग के लिए सैंपल निकालने होते हैं, हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के नंबर की टेस्टिंग करते हैं, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। अगर मुझे कोई भी डाउट आता है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आती है, तो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूँ या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूँ। उसके बाद भी इफ आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैं मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करता हूँ, अगर तब भी सोल्व नहीं होता है देन विल मेक दी इम्पैक्ट इन आर ऑडिट रिपोर्ट। समझ आया बेटा ऐसे 330? समझ आया आप लोगों को ऐसे 330? जल्दी बताइएगा ऐसे 330 आप लोगों को समझ आया क्या? मोहित सरदाना मतलब कल है क्या? एक बार चलो मैं ना अभी थोड़ा पोज ले रहा हूं, बच्चे मैचेस की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ये इंडिया पाकिस्तान का मैच आज है या कल है, पहले तो ये बताओ मुझे। फिर मैं आपको कुछ बताता हूं, बहुत स्पेशल बताता हूं आज आपको कुछ। आज मैडम नाराज है मुझसे, अग्रिमा मैम, बताऊंगा क्यों, मतलब तो देख भी नहीं रही मेरे साइड। अग्रिमा फुल नाराज, अग्रिमा कुछ फेंक के मारना पड़ेगा तभी सुनेगा, शीशे का गेट है बंद है। कल मैच है, देखिए ध्यान से सुनिए एक बात मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको। हम जब सीए कर रहे थे ना 2008 और 9 में, 2009 में मान लीजिए, तो एक T20 मैच भी आता है ना, T20 मैच भी चलते हैं ना कुछ, अभी कौन सा है मुझे नहीं पता, बट एक T20 मैच चलता है जो उस टाइम भी चलता था, ठीक है। तो 2009 में मुझे अच्छे से याद है जब ये T20 मैच चलते थे ना, तो जितने भी सीए स्टूडेंट्स थे वो दुकान के बाहर खड़े होके मैच देख रहे हैं। किसी के मान लो हम फ्लैट, कोई फ्लैट पे रह रहा है तो फ्लैट पे टीवी लगा रखा है, तो जहाँ पे मैं कुछ दिन रहा था तो वहाँ पे टीवी था, तो वहां पे टीवी था, तो मैंने देखा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सीए स्टूडेंट सब टीवी पे मैच देख रहे हैं, पता नहीं कोई कोई भी मैच आता होगा वो मैच देख रहे हैं, और हम कुछ लोग, मैं और एक दो लोग और, हम अपना जाके हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम उस, और वो लोग कार्ड्स भी खेलते थे, मतलब वो लोग मैच भी देख रहे हैं और शायद मैच रात को आता था, उसके बाद खत्म होने के बाद वो लोग कार्ड्स भी खेलते थे, मतलब समझ रहे हो माँ बाप के पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा था वहां पे, और वो सब बड़े बाप की औलाद थे। मैं पता था हमारे पिताजी हमारी माताजी किस तरह से पैसे अरेंज करके हमें पढ़ा रही थी, वो हमें अच्छे से पता था। वो सब ऐसी फैमिली से थे जिनके पिताजी हर महीने 10-15 हज़ार 20 हज़ार भेजते थे कि बच्चों को कमी नहीं रहनी चाहिए, आराम से रहो, घर पे रहो, फ्लैट लेके रहो, दो चार मेड रखो, खाना वाना बढ़िया खाओ। और हमारे परिवार वाले कहते थे भैया देखो 4-5 हज़ार रुपये देंगे, कैसे गुजारा करना है वो तुम डिसाइड करो। आज वो जितने भी स्टूडेंट है ना जो ये मैच देखते थे, कोई भी सीए नहीं है, कोई भी सीए नहीं है, यकीन मानिएगा। हालांकि वो मेरे दोस्त लोग ही हैं, मैं उनके बारे में इतना बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बेटा जो अभी बो रहे हो ना आप, उसी को ही काटना है, उसी को ही काटना है आपको। तो आप क्या बीज डाल रहे हो, अपना टाइम, आपका टाइम ही ये बीज है, आप कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एक्टिविटीज, आपके पूरे दिन में इस टाइम, ये दो जो 2-4 साल जो हैं, इन 2-4 साल में आप क्या कर रहे हो, ये आपका बहुत लंबा भविष्य डिसाइड करने वाले हैं।
अभी जो मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ ना, आधे से ज्यादा दुकान पे बैठ के कोई कपड़ा काट रहा है, कोई चीनी तोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नो वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अपना टाइम सही जगह लगाओ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा आता रहेगा, ये सारे सब कुछ चलता रहेगा। आपके पास ये टाइम है सीए करने का, सीए कर लो, ठीक है? तो ये था एक मेरा मेन मुद्दा, जो शुरू से आप लोग आज आए हो तब से बोल रहे हो मैच है मैच है मैच है। तो बेटा आपके साथ मैच हो जाएगा, हो सकता है इंडिया कल जीत जाए, लेकिन हो सकता है आप हार जाओ, ठीक है? तो खुशी होगी आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अब आप पूछोगे कि अग्रिमा मैम क्यों नाराज है, मुझे पता है वो इसलिए नाराज है, आज हम लोग नीचे गए थे क्लब में और मेरे को जल्दी आना था क्योंकि आपका लाइव सेशन लेना था। तो मैं की लेकर आया और नीचे, आप लोग मेजर जनरल समझते हो ना, आप मेजर जनरल समझते हो ना बेटा? आप लोग आर्मी की आई थिंक सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे अंकल मिल गए मेजर जनरल, उनके साथ में बात करने लग गया और कहाँ मेरा टाइम चला गया मुझे भी नहीं पता। और अग्रिमा पीछे से आई क्योंकि उसको था कि मैं घर पे रहूंगा। 1 घंटे तक वो लोग गेट के बाहर रहे, अग्रिमा आश्वियन लिशा। उसके बाद उसको पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ और तब से नाराज है मैडम। मैं आया और मैं सीधा आके क्लास लेने यहाँ पे आ गया। तो ये था बात। और आज मैं कर रहा हूँ सेशन जल्दी क्लोज, क्योंकि अगर मैं अभी सेशन कंटिन्यू करूँगा वो सो जाएगी, बच्चे भी सो जाएंगे, मैडम भी सो जाएगी, और मैं ये गलती नहीं करना चाहता। तो टुडे आई एम टेकिंग ऑफ जल्दी एंड विल मीट अगेन टुमोरो। टुमोरो कल रात को भी हम लाइव रख लेते हैं। मैंने पहले बोला था कि संडे हम छुट्टी रखेंगे, बट टू कंपनसेट सैटरडे आई विल टेक ए लाइव क्लास ऑन संडे। अब हमारा कौन कौन सा ऐसे रह गया, 402 एंड 299, और कोई भी रह गया क्या यार? 402, 299 और 450, ये कल हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे, बल्कि 1 घंटे से भी जल्दी कवर हो जाएगा। कोई और स्टैंडर्ड रह गया हो तो मुझे बता दो, मेरी गलती है, आई एग्री ऑन दिस, मेरी गलती है, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे नीचे हैं। जल्दी बता दो, 402, 299, 450, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। ये जो कैप्शन वगैरह डालने हैं ना, कौन सी चीज कहाँ कवर है, कल करूंगा मैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा एक और बात बताते हुए जाओ, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? मैं बंद कर दूंगा क्योंकि वीडियो। काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी ये लाइव सेशन नहीं देखे होंगे, तो टोटल जो हमारा स्टैंडर्ड का ड्यूरेशन है 3 to 5 to 7 और 9, क्या 9 आवर्स का मैं दोबारा से लाइव प्ले कर दूं? लाइव प्ले ऑन सम अदर डे, मॉर्निंग में मान लीजिए 8 से 8, 8 से 5 सॉरी, या 12 से 8, 12 PM टू 8 PM या 9 PM, क्या ये सारे ऐसे की एक वीडियो दोबारा से प्ले कर दूं? यस और नो, जरा मैं यहां पे पूछता हूं आप लोगों से। शुड वी प्ले तो उससे क्या होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एटलीस्ट लाइव चल रहा होगा तो उस बहाने कनेक्ट हो जाएंगे, और आप भी अगर रिवाइज करना चाहो तो कर लेना। शुड वी प्ले 9 आवर वीडियो कवरिंग ऑल स्टैंडर्ड्स मतलब ये सब तो रहेगा ही रहेगा यूट्यूब पे, वो सुबह एक सेशन चल जाएगा, जिन्होंने देख लिया वो मत देखना, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। उससे क्या होता है, फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलती है बच्चे को, जब वो बाद में कभी 1 साल बाद जैसे कोई वीडियो देख रहा होता है ना, तो एक ही वीडियो मिल जाती है और उसमें सारे स्टैंडर्ड मिल जाएंगे आपको कैप्शन वाइज। तो ये मेरे को एक बेनिफिट लग रहा है कि सारे स्टैंडर्ड का एक वीडियो अगर यूट्यूब पे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसमें कैप्शन में क्या है, ऐसे 200 से 720 तक आपको सारे मिल जाएंगे विद इन वन वीडियो। तो आपको जो भी देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट कैप्शन और आप सीधा उसको वॉच कर सकते हैं। तो मेरे को बस एक ये बेनिफिट लग रहा है 9 घंटे का वीडियो प्ले करने से, ठीक है जी?
आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। आप इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सारे स्टैंडर्ड का एक वीडियो आपको यूट्यूब पे चाहिए या नहीं। बाय। कल की टाइमिंग रात को 8 बजे, कल की टाइमिंग नाइट 8 PM, 8 PM पे ही कल स्टार्ट कर लेंगे। 9 PM करना हुआ तो मैं आपको 7 या 7 बजे ही, इवनिंग 6:30 और 7 पे ही टेलीग्राम पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा।